वेलकम डियर स्टूडेंट इन आवर चैनल ज्ञान गंगा फैमिली। दोस्तों, इससे पहले मैं क्लास 10th का सब्जेक्ट केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 लेकर आया था, जिसका नाम था एसिड बेस एंड साल्ट। तो बहुत से स्टूडेंट हमें कमेंट कर रहे थे कि सर, फिजिक्स का आप अगला चैप्टर का वीडियो लेकर आए। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में क्लास 10th का सब्जेक्ट फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 लेकर आया हूँ, जिसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इस वीडियो के अंतर्गत हम बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं इसमें हम मीडियम के बारे में, माध्यम, क्योंकि ये मीडियम ही ऐसा हमारा ये क्या है, ये जो इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है इस पूरे चैप्टर में। माध्यम यानी मीडियम क्या होता है? एक सब्सटेंस होता है जिसमें किसी प्रकार के वेव का पहुंचाता है, ट्रांसफर इन फॉर्म ऑफ इनर्जी फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन और वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। यानी माध्यम वह पदार्थ होता है जिसमें क्या करता है, तरंग का रूपांतरण होता है एनर्जी के रूप में एक जगह से दूसरी जगह पे। ये जो मीडियम होता है दो प्रकार का होता है, एक का नाम हमारा होता है ये रेरर मीडियम, रेरर मीडियम। दूसरा का नाम है डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम। रेरर मीडियम दूसरा नाम है ये डेंसर, इसी को हम लोग बोलते हैं हिंदी में विरल माध्यम। माध्यम दूसरा इसका नाम है ये सघन माध्यम। विरल माध्यम यानी कि रेरर माध्यम वो माध्यम होता है जिसमें प्रकाश का चाल क्या आता है, प्रकाश की चाल वो अधिक होता है, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक का वैल्यू क्या होता है, कम होता है। ये अपवर्तनांक क्या होता है आगे इसके हम चर्चा करते हैं। ये सघन, सघन वो होता है जिसमें प्रकाश की चाल क्या होता है वो कम होता है, या म्यूज को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इंग्लिश में क्या बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हिंदी बोलते हैं अपवर्तनांक का मान क्या होता है वो हमारा अधिक होता है, इसी तरह कहता है ये। और ये मीडियम ही होता, और जब भी हम बात करेंगे रेरर मीडियम या डेंसर मीडियम की, वो अकेले कभी नहीं हो सकता, ये हमारा रिलेटिव है, ठीक है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। यानी कि जब दो माध्यम को हम कंपेयर करेंगे कि जिस माध्यम में प्रकाश का चाल क्या हो, अगर वो अधिक होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, रेरर मीडियम यानी कि हिंदी में विरल माध्यम कहलाएगा। लेकिन जिस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या हो, कम हो, प्रकाश की चाल कम हो, क्या कहलाएगा वो, सघन माध्यम कहलाएगा। इसे हम लोग इसको क्या बोलते हैं, डेंसर मीडियम। या दूसरे शब्दों में से बोल सकते हैं कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो वैल्यू होगा वो कम होगा, उसे हम लोग बोलेंगे कि विरल माध्यम वो है, यानी कि वो विरल मीडियम है। और जिस मीडियम का अगर ये अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक होगा वो माध्यम हमारा क्या कहलाएगा, डेंसर मीडियम कहलाएगा। चलिए, ये बात तो हो गया हमारा ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड। दूसरा क्या होगा, वेलोसिटी से। फिर से पढ़ते हैं कि जिस मीडियम में वेलोसिटी ज्यादा होगा उसे रेरर मीडियम यानी हिंदी में विरल माध्यम कहेंगे, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगा, कम होगा या अपवर्तनांक का मान अधिक हो, उसे बोल देंगे सघन माध्यम। बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, आगे पढ़ते हैं यहाँ पे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसे हिंदी में बोलते हैं अपवर्तनांक, क्या बोलते हैं अपवर्तनांक, इसे हम लोग म्यू से सूचित करते, क्या करते हैं म्यू से। तो ये कहता है कि अपवर्तनांक होता क्या, कोई वस्तु का चाल कितना, ये निर्वात में यानी कि ये वैक्यूम में, और वैक्यूम में अपवर्तन भी क्या, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम में, यानी कि हम बोल सकते हैं प्रकाश का वेग निर्वात में और प्रकाश का वेग किसी माध्यम में, जो दोनों का रेशियो देगा वो क्या देगा, वो अपवर्तनांक निकलेगा। यानी हिंदी क्या बोलेंगे, अपवर्तनांक, और अंग्रेजी में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइन एज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए पार्टिकुलर मीडियम। इसको जब रिप्रेजेंट करेंगे तो म्यू से करेंगे, और इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगा, ये वन से अधिक होगा। ऐसा क्यों होगा, तो हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी ऑफ जो लाइट होता है हमारा क्या था, वो 2.98 गुना 10 के पावर 8 मीटर
8 मीटर पर सेकंड होता है, जिसे हम लोग लगभग में 3×10^8 मीटर पर सेकंड लेते हैं। जबकि किसी भी माध्यम में अपरकाश को वेग देखेंगे तो हमारा वेलोसिटी क्या हुआ, वैक्यूम से हमेशा कम ही होगा। तो आप जानते हैं कि अगर कोई यहाँ पे लार्जर नंबर हो, लार्जर नंबर और ये स्मॉलर नंबर से डिवाइड करेंगे तो उसका वैल्यू क्या निकलेगा, एक से अधिक ही निकलेगा। ये हो गया, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू हमेशा क्या होगा, एक से अधिक होगा। अब बात करते हैं यहाँ से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, क्योंकि टॉपिक का ही नाम क्या है, हम चैप्टर का रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, प्रकाश का अपवर्तन। देखिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में कहता क्या, एक्चुअल में होता है क्या कि हम लोग जानते हैं, इसके पहले चैप्टर में पढ़े थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या था कि कोई भी रे ऑफ इंसिडेंट, सॉरी रे इंसिडेंट करता था रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, तो वो टकरा करके उसी माध्यम क्या था, वो लौट जाता था, यानी कि रिबाउंसिंग ऑफ लाइट होता था, जिसे हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें किसी प्रकार के मीडियम में चेंजिंग नहीं होता था, यानी कि जिस मीडियम से वो आता था रिफ्लेक्ट होकर उसी मीडियम में वो सेम एंगल से चला जाता था, और वो एंगल हमारा आई और आर आपस में क्या था, वो बराबर था। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ होगा नहीं, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपवर्तनांक में अंतर के कारण अपने एक्चुअल पथ से क्या था, वो डेविएट हो जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर आपसे को पूछ दे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्यों होता, तो ड्यू टू हमारा क्या था, ड्यू टू डिफरेंस इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस रहने के कारण रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। चलिए एक बार डेफिनेशन देखते हैं, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो वो अपने वास्तविक पथ से क्या था, वो विचलित हो जाते हैं। इस घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। यानी व्हेन एनी रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, देन इट डेविएटेड फ्रॉम द एक्चुअल पाथ ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डिफरेंट मीडियम, इज नोन एज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब यहाँ पे एक लॉ भी मिलता पढ़ने के लिए, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो जिस प्रकार से हम प्रकाश के परावर्तन में दो नियम पढ़े थे, उसी प्रकार से यहाँ भी क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का भी दो नियम पढ़ेंगे। पहला नियम क्या कहता है, ये कहता है कि साइन आई बटा में कितना ही, साइन आर का जो वैल्यू होता है वो एक कांस्टेंट होता है। क्या ये कांस्टेंट होता है, जिसे हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला कहते हैं। दूसरी बात क्या कहता है, इंसिडेंट रे कॉमा नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे मीट एट सेम पॉइंट। ये दो हमारा लॉ कहता है, इंसिडेंट एंगल यानी साइन आई और साइन आर के जो वैल्यू होता है इसे एक कांस्टेंट कहा जाता है, ठीक ना। ये जो कांस्टेंट आगे हम पढ़ेंगे इसका नाम है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और यहाँ पे दूसरा लॉ कहता है इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड
रिफ्लेक्टेड रे मीट एट द सेम पॉइंट। ये जो पहला लॉ है इसे स्नेल्स लॉ भी कहा जाता है, स्नेल्स लॉ कहा जाता है। स्नेल्स लॉ कहता है कि द रेशियो ऑफ साइन आई एंड साइन आर इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट इज नोन एज द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। यानी एक मीडियम का क्या हो गया ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे के रिस्पेक्ट में कितना हायर, ये कितना मल्टीपल है, ये कहा जाता है। चलिए अब बात करते हैं कि हमारा कोई भी प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो वो नॉर्मल की ओर मुड़ेगा या उसे दूर जाएगा। तो आगे हम पूरी डायग्राम की बात करेंगे, उसके लिए हमें दो पॉइंट की इन्फॉर्मेशन जरूरी है। वो इन्फॉर्मेशन क्या है आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हेन एनी रे, व्हेन एनी रे गो फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, रेयर टू डेंसर मीडियम देन इट बेंड टुवार्ड्स द नॉर्मल। चलिए कुछ डायग्राम की बात कर लेते हैं। अगर यहां पे देखा जाए, हम ये देखे थे कि ये अगर ये डेंसर मीडियम है कहीं पे क्या ये हमारा म्यू आर है, तो जाहिर सी बात है इसका वेलोसिटी क्या होगा, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम का ज्यादा होता है। अगर वेलोसिटी अब क्या करें डेंसर मीडियम अब वेलोसिटी क्या ले रहा है, ये उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं आर रिप्रेजेंट करेगा आपको रेयर मीडियम और डी क्या करेगा आपको डेंसर मीडियम। अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन क्या वो इस तरह से वो मूव कर जाएगा। ये डायग्राम नंबर वन हो गया। डायग्राम दूसरा देखिए, अगर ये उल्टा भेज रहे हैं रे ऑफ लाइट ऐसे है, नीचे हमारा रेयर है, यहाँ पे क्या हो ये डेंसर है, तो जबकि इसको ऐसे जाना चाहिए था लेकिन क्या बोल रहे वो नॉर्मल की ओर वो मुड़ जाता है। तीसरा डायग्राम की हम बात करते हैं, इस तरह से चेंज करते हैं, इसको ऐसे आना चाहिए, ऊपर में हो गया रेयर मीडियम, नीचे क्या हो ये डेंसर मीडियम, तो नॉर्मल हमारा ये है, तो इस तरह से वो क्या करे वो झुक जाएगा, आई हो जाएगा, ये आपका आई हो जाएगा। चलिए चौथा केस की बात करते हैं। ये कहता है कि अगर हमारा ये उल्टा डायरेक्शन ये था, इस तरह से आया, चौथा में चेंज कर दे नीचे से भेज दीजिए, तो इसको ऐसे जाना चाहिए, नीचे रेयर हो गया, अगला क्या ऊपर में डेंसर मीडियम, तो नॉर्मल क्यों जाएगा, तो नॉर्मल जाने के मतलब होगा इस तरह से वो ये मूव कर जाएगा, ये हो जाएगा आपका आर और हो जाएगा ये आई। इससे हम ये देख रहे हैं कि कोई प्रकाश किरण जब हमारा रेयर से डेंसर अर्थात विरल से सघन माध्यम में जाती है तो वो अविलंब की ओर मुड़ जाती है, और इसी डायग्राम के सहारे हम सारा इमेज का फॉर्मेशन करेंगे, लेंस से क्या करेंगे हमारे इसका लेंस का जो रे डायग्राम होता है उसका सारा ये पढ़ेंगे। लेटरल डिस्प्लेसमेंट से पार्श्विक विस्थापन कहा जाता है, सारा इसी पे बेस्ड होगा, इसलिए ये डायग्राम को आपको अच्छे से समझना ही होगा। चलिए इसका दूसरी पॉइंट की हम बात करते हैं। दूसरा पॉइंट कहता है व्हेन एनी रे गो फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम देन इट गो अवे देन इट गो अबे फ्रॉम नॉर्मल। इसका मतलब ये हो गया कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो हमेशा अविलंब से दूर भागती है। इसी के उल्टा क्या था, जब कोई विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा था तो वो अविलंब की ओर मुड़ा था, अब क्या हो रहा जब हमारा सघन से विरल में जाएगा तो वो अविलंब से दूर भागेगा। जैसे हम डायग्राम की बात कर सकते हैं, इसके पहले बोल रहे थे आर का मतलब हो गया रेयर मीडियम, डी का मतलब हो गया
कैंसर यानी कि सेकंड ए हो गया, ग्रह का अर्थ मतलब विरल माध्यम। अब देखिए ये हमारा प्रकाश किरण ऐसे जा रहा है, हमको भेजना कहां से, डेंसर से, ऊपर में ये डेंसर हो गया, ऊपर में क्या गई है डेंसर, नीचे में क्या गई रेडर, तो इसे होना चाहिए इस तरह से, इसको पार करना चाहिए, जबकि वैसा होगा नहीं तो अविलंब से दूर भागेगा। तो दिस इज द कितना आर, और ये क्या हो गया एंगल आई हो गया। चलिए इसी का हम दूसरा डायग्राम लेते हैं, नीचे से भेज देते हैं, इसको ऐसे जाना चाहिए था लेकिन वो अविलंब से क्या करेगा दूर भागेगा, ये हो जाएगा आपका पूरे आर और होगा कि ये आई। लेकिन आप जब भी डायग्राम बनावे तो एरो अवश्य दे, ठीक है। थर्ड केस देखते हैं हमारे यहाँ पे, जब कोई प्रकाश किरण इस तरह से जा रहा तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा किस हो गया था ऊपर से भेज दीजिए, इसको ऐसे पार करना चाहिए था, लेकिन हमारा ये डेंसर से चला था, पहुंच रहा किस में रेडर से, तो नॉर्मल से क्या होगा दूर भागेगा, दिस इज द कितना हो गई आर, और ये क्या होगा आपका वैल्यू आई हो जाएगा। चौथा केस देखते हैं यहाँ पे, अभी हम डायग्राम को यहां से करके भेज देते हैं, इसको ऐसे जाना चाहिए था लेकिन नॉर्मल से क्या करेगा ये दूर भागेगा, हो जाएगा आपका आर, ये हो जाएगा आपका आई हो जाएगा। इस प्रकार देख रहे हैं कि टोटल हमारा 8 डायग्राम है, ये डायग्राम ये दिखा रहा है कि रे डायग्राम किस तरह से वो ट्रांसफर होता है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारा ये है, नंबरिकल बनाएंगे या एंट्रेंस वगैरह में सवाल पूछ देता है, ये डायग्राम में किसी को दिक्कत देना चाहिए, दो पॉइंट याद रखेंगे, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल में जाता है वो अविलंब से दूर भागता है, जबकि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो वह अविलंब की ओर मुड़ जाता है, जैसा कि हमने डायग्राम बना के दिखा दिया। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में कंफ्यूज नहीं होना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में होता है कि हमारा प्रकाश किरणें का मीडियम में कोई चेंजिंग नहीं होता, लेकिन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश के अपवर्तन में मीडियम में चेंजिंग होता है। यहाँ पे बात कर रहे थे कि जब कोई प्रकाश किरणें भेन भेन एनी रे ऑफ लाइट ग्रोथ फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन ऑल पैरामीटर चेंजेज लाइक वेलोसिटी एनर्जी wavelength, deviation angle, etc. But frequency never changes. जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका सारा पैरामीटर, चाहे वो वेग हो, ऊर्जा हो, या तरंग है जो, या विचलन कौन हो, सारा क्या कर वो चेंज करेगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी हमारा चेंज नहीं करेगा। छोटा सा एक डायग्राम बनाते हैं, देखा जाए अगर कोई प्रकाश किरण यहाँ से चला था, इसको जाना चाहिए था, ये तो ऐसे मुड़ेगा या तो ये ऐसे जाएगा। अगर यहाँ पे इसका वेलोसिटी c1 है तो यहाँ क्या c2 है, इसका लेमडा 1 है तो यहाँ क्या लेमडा 2, एनर्जी e1 है तो यहाँ एनर्जी क्या e2 है, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी क्यों म्यू है तो ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी वाला क्या होगा म्यू होगा। और होता है क्या है कि ये फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या होता है वो कांस्टेंट होता है। अगर इसे इलेक्ट्रिसिटी में देखा जाए तो जितने भी इंडियन स्टैंडर्ड का वो हमारा इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, फ्रिज हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, सारा का फ्रीक्वेंसी हमारा क्या था ये 50 हर्ट्ज होता है, जबकि अमेरिका अदर कंट्रीज हमारे कुछ भी है जैसे उसका फ्रीक्वेंसी क्या था ये 60 हर्ट्ज होता है। याद रखेंगे हमारा इंडियन स्टैंडर्ड का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो 50 हर्ट्ज ही होता है। तो इस टॉपिक के तो हम क्या देखें कुछ इनिशिएशन पॉइंट का जो टॉपिक था, जैसे हमारा मीडियम क्या होता है तो मीडियम के डिफरेंस देख लिए, मीडियम कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, ये हमारा रेयर हो गया और ये डेंसर हो गया। तो देखें आप रेयर मीडियम में हमारा
वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या था, वो ज्यादा होता है, डेंसर वेलोसिटी ऑफ लाइट कम होता है। दूसरी डेफिनेशन के तौर पर देखें तो इसमें हमारा जिस मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसे डेंसर मीडियम, इसका कम हो उसका बोलते हैं रेयर मीडियम होते हैं। इसके बाद हमने पढ़ लिया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, इसका लाभ देख लिए, एसएनएस लाभ देख लिए। उसके बाद रे डायग्राम हो गया, रे डायग्राम में हमने देखा कि आर डायग्राम बना, जब भी कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने एक्चुअल वास्तविक पथ से विचलित हो जाती है। जिसे इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसे प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। जिस प्रकार से प्रकाश के परावर्तन का दो नियम था, उसी प्रकार से प्रकाश के अपवर्तन का भी दो नियम था। इसमें देखें कि साइन आई और साइन आर का जो वैल्यू होता है वो एक कॉन्स्टेंट होता है, इसे क्या कहा जाता है हमारा, इस कॉन्स्टेंट को बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जिसका एक्सप्लेनेशन एसएनएस नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसलिए इसका नाम क्या पड़ता था, एसएनएस लॉ। सेकंड लॉ कहता है इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन और मीट एट द सेम पॉइंट, दैट पॉइंट इज नोन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। इसके बाद हम देख रहे हैं कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसके सारा पैरामीटर, चाहे वो वेवलेंथ हो, वेलोसिटी हो, एनर्जी हो, या डेविएशन एंगल हो, विचलन कोण हो, सारा का सारा वो चेंज होता, लेकिन एक ही पैरामीटर वो होता फ्रीक्वेंसी जो कभी चेंज हमारा नहीं होता। जिसे हमने बताया कि अगर हमारे जितना भी डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल या फिर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज है, सारा का फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज ही होता है। दोस्तों आप हमें कमेंट कर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।